एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसमें फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम, नियतन समस्याएं। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है? फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति को कोई टास्क दिया जाता है। अब किसी व्यक्ति को कोई टास्क देंगे, जैसे हमारे पास चार पर्सन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन चारों पर्सन को चार टास्क देने हैं। टास्क को हमने नेम दे दिया ए बी सी डी। तो अब किस पर्सन को कौन सा टास्क दिया जाए या किस पर्सन को कौन सा टास्क असाइन किया जाए, इस टाइप की प्रॉब्लम को कहते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब कैसे देंगे, यानी किस पर्सन को कौन सा टास्क देना है, तो इसका मीन्स क्या है? अब चार पर्सन है, चार टास्क है, तो किसी हर पर्सन में अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे मान लो कि हम टीचर की बात करें, तो कोई एक टीचर होगा जो कि मैथ में परफेक्ट होगा, कोई एक टीचर होगा साइंस में परफेक्ट होगा, होगा ना ऐसा? तो ऐसा ही यहाँ पर है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, कि किसी व्यक्ति को कोई टास्क देना है, किसी पर्सन को कोई टास्क देना है, तो हर पर्सन हर टास्क को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि किस व्यक्ति को कौन सा टास्क दिया जाए। तो इसे सिलेक्ट करने के लिए हम आज का टॉपिक करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। और इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी होगी, मिनिमम टाइम फाइंड करना होगा, या मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी मिनिमम के लिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिनमें हमें पर्सन को असाइन तो करना है लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करो, मिनिमम की जगह आ जाए मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करो, तो उसकी कंडीशन अलग होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिनिमाइजेशन के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैक्सिमाइजेशन के लिए। अब देखो, मिनिमाइजेशन के लिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा हमारे पास? फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, ए डिपार्टमेंट हेड हैज फोर सबऑर्डिनेट। कोई भी एक डिपार्टमेंट हेड है जिसके पास चार सबऑर्डिनेट है एंड फोर टास्क, और चार टास्क हैव टू बी परफॉर्म, यानी चार सबऑर्डिनेट को, फोर सबऑर्डिनेट को फोर टास्क पे परफॉर्म करना है। द सब ऑर्डिनेट डिफर्ड इन एफिशियंसी। अभी मैंने आपको बताया ना कि हर पर्सन की अलग अलग एबिलिटी होती है, तो द सब ऑर्डिनेट डिफर्ड इन एफिशियंसी एंड द टास्क डिफर्ड इन देयर बेसिक डिफिकल्टी। द सब ऑर्डिनेट डिफर इन एफिशियंसी एंड, यानी सब ऑर्डिनेट की एफिशियंसी होगी और टास्क की अलग से डिफिकल्टी होगी। हिज एस्टिमेट ऑफ द टाइम ईच मैन वुड टेक टू परफॉर्म ईच टास्क। अब वही क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हिज एस्टिमेट ऑफ द टाइम, यानी जो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, ये टाइम के लिए है। हिज एस्टिमेट ऑफ द टाइम ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो टाइम है वो टेक टू परफॉर्म ईच टास्क, वो टास्क को परफॉर्म करने के अकॉर्डिंग उसका टाइम कैलकुलेट होता है। इज गिवन द इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स बिलो, जो कि इस मैट्रिक्स में गिवन है। यहाँ देखो मैट्रिक्स में क्या है, सब ऑर्डिनेट गिवन है, उनके लिए टास्क गिवन है। चार पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और चार टास्क है ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पर ये टाइम के लिए मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन ए टास्क को 8 मिनट में करता है, मिनट आवर जो भी टाइम होगा। सेकंड पर्सन ए टास्क को 26 मिनट में करता है, एज्यूम कर लिया हमने मिनट में। थर्ड पर्सन ए टास्क को 17 मिनट में करता है। इसी तरह से ये हर पर्सन के लिए हर टास्क का टाइम हमें गिवन है। हाउ शुड द टास्क बी अलॉटेड वन टू ए मैन, किसी भी एक व्यक्ति को किस टाइप से टास्क अलाउट किया जाए, सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर। अब यहाँ पर देखो आवर में दे दिया, हमने जो मिनट लिया था ये आवर में शो कर दिया। प्रत्येक सब ऑर्डिनेट को, प्रत्येक व्यक्ति को कौन सा टास्क दिया जाए कि मिनिमम टाइम हमें कैलकुलेट हो जाए, कि कम से कम टाइम उसमें लगे। कोई भी व्यक्ति किसी टास्क को करता है तो कम से कम टाइम में उसे करना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि किस सबऑर्डिनेट को कौन सा टास्क असाइन किया जाए। तो इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो, हमें सिर्फ जो लैंग्वेज गिवन है उस लैंग्वेज में हमें सिर्फ ये चेक करना है मिनिमाइज का क्वेश्चन है या मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, मिनिमाइज या मैक्सिमम। हमें क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवन होगी, टास्क दे दिया, पर्सन दे दिया, या मशीन दी, टास्क दे दिया, जॉब दी। तो हमें सिर्फ यहाँ पर चेक करना है मिनिमाइजेशन की कंडीशन होगी या मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होगी। अब क्वेश्चन में हमें मिनिमाइजेशन करना है, तो उसके लिए हम आज का मेथड स्टार्ट करेंगे। अब मेथड में हमें करना क्या है कि किस सबऑर्डिनेट को कौन सा टास्क दिया जाए। तो
तो इसे टेबल के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे कि मान लो हमारे पास फर्स्ट टेबल है, इसमें अलग अलग स्टेप होंगे, आपको स्टेप याद रखने हैं, स्टेप टू स्टेप करोगे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा रो रिडक्शन। रो रिडक्शन का मीन्स क्या होगा, प्रत्येक रो में से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट कर उस रो में से उसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये कहलाता है रो रिडक्शन। आई रिपीट, प्रत्येक रो में से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट कर उस रो में से उस मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। अब यहाँ देखो रो रिडक्शन जो लैंग्वेज मैंने अभी आपको बताई है, प्रत्येक रो में से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, 8, 26, 17 and 11। प्रत्येक रो में से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट कर, तो हम फर्स्ट रो ले रहे हैं, इसमें मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट किया 8 और उस मिनिमम एलिमेंट को उसी रो में से घटाना है, इट मीन्स 8 को इस पूरी रो में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 - 8 0, 26 - 8 18, 17 - 8 9 एंड 11 - 8 3। ओके, इसी तरह से सेकेंड रो, क्योंकि हमने वर्डिंग क्या बोली थी, प्रत्येक रो में से मिनिमम एलिमेंट को, अब प्रत्येक रो का मीन्स फर्स्ट रो में हमने अगर ऐसा किया तो सेकेंड रो में भी करेंगे, तो 13, 28, 4, 26 मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट किया 4 को इस रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 13 में से 4 कट किया 9, 28 - 4 - 24, 4 - 4 - 0, 26 - 4 - 22। नेक्स्ट 38, 19, 18, 15 मिनिमम एलिमेंट 15, 15 को प्रत्येक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 38 - 15 - 23, 19 - 15 - 4, 18 - 15 - 3 एंड 15 - 15 - 0। इसी तरह से लास्ट रो में मिनिमम एलिमेंट 10, 10 को प्रत्येक एलिमेंट से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 19 - 10 - 9, 26 - 10 - 16, 24 - 10 - 14 एंड 10 - 10 - 0। यहाँ पर टास्क क्या था हमारे पास, ए बी सी एंड डी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से सब ऑर्डिनेट क्या है, 1, 2, 3 and 4। ओके, ये सिमिलर हर टेबल में हम ऐसा ही लिखेंगे टास्क सब ऑर्डिनेट। सेकेंड स्टेप इसका होगा कॉलम रिडक्शन। आई थिंक आपको समझ में आया फर्स्ट स्टेप रो रिडक्शन, और सेकेंड स्टेप है इसका, और सेकेंड स्टेप है इसका कॉलम रिडक्शन। अब रो रिडक्शन में हमने क्या किया था, प्रत्येक रो में से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट कर उस रो में से उसे घटा दिया, उस मिनिमम एलिमेंट को घटा दिया। तो कॉलम रिडक्शन क्या हो जाएगा, प्रत्येक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट कर उस कॉलम में से उसे घटा देंगे। प्रत्येक कॉलम, इसके लिए हम क्वेश्चन की मैट्रिक्स नहीं लेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है रो रिडक्शन पर उस मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उस मिनिमम एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में से घटा देंगे। तो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0। अब 0 को अगर फर्स्ट कॉलम के हर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करें तो कोई चीज नहीं होगा, 0, 9 - 0, 23 - 0 एंड 9। और यहाँ पर मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रत्येक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट कर उस एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट में से उस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में से घटाना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, 9 - 0, 23 - 0, 0 - 9 या 0 - 23 नहीं होगा। इसी तरह सेकंड कॉलम 18, 24, 4 and 16, तो मिनिमम एलिमेंट 4 को सेकंड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में से घटा देंगे, तो 18 - 4 - 14, 24 - 4 - 20, 4 - 4 - 0 एंड 16 - 4 - 12। इसी तरह से थर्ड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0, तो 0 को अगर थर्ड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से फोर्थ कॉलम में भी मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो नो चेंज, 3, 22, 0 and 0। ओके, और सिमिलर टास्क हमारे पास ए बी सी एंड डी
एंड सबऑर्डिनेट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके ये सेकंड स्टेप का। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने कॉलम रिडक्शन की टेबल बनाई थी उस टेबल को एज इट इज हम जीरो असाइनमेंट में लिखेंगे। कॉलम रिडक्शन की टेबल हमारे पास क्या थी, फर्स्ट सबऑर्डिनेट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसी तरह से टास्क हमारे पास था ए बी सी डी। मैं सबऑर्डिनेट और टास्क बार बार नहीं लिख रही, आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टेबल में टास्क सबऑर्डिनेट लिखना है। एज इट इज उतारी तो 0, 9, 23, 9, 14 सेकेंड कॉलम 20, 0 एंड 12। इसी तरह से थर्ड कॉलम 9, 0, 3 एंड 14 एंड फोर्थ कॉलम 3, 22, 0 एंड 0। अब जीरो असाइनमेंट, हमने कॉलम रिडक्शन की मैट्रिक्स को एज इट इज उतार लिया, हमें जीरो असाइनमेंट करना है। तो जीरो असाइनमेंट के लिए क्या हुआ, इसके लिए हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। जो भी मैं बता रही हूँ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही करना है, अगर आपने सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जीरो असाइनमेंट इसे फर्स्ट रो से ही हमें स्टार्ट करना है। अब जीरो असाइनमेंट में फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है और स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम को हम सिलेक्ट करें उस रो या कॉलम में सिंगल जीरो होनी चाहिए। अगर सिंगल जीरो है तो उस जीरो के ऊपर इस तरह से हम बॉक्स लगाएंगे, अगर सिंगल जीरो नहीं है तो हम बॉक्स नहीं लगाएंगे। तो क्या स्टेप करेंगे, देखो स्टार्टिंग करनी है फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में हमने चेक किया सिंगल जीरो है, एक ही जीरो है, एक से ज़्यादा जीरो हो तो हमें बॉक्स नहीं लगाना। अगर एक ही जीरो है तो हम इस तरह से उस जीरो को बॉक्स में कवर कर देंगे, यानी बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक, हमने सेलेक्ट किया कि फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में एक ही जीरो थी, सिंगल जीरो थी, इसमें बॉक्स लगा दिया। अब जहाँ पर बॉक्स लगाया, हमने रो ली थी, फर्स्ट रो ली थी, तो जहाँ पर बॉक्स लगाया उस कॉलम को हमें चेक करना है। हमने बॉक्स कहाँ लगाया, यहाँ पर, इट मीन्स कौन सा कॉलम आएगा, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में इस बॉक्स वाली जीरो के अलावा और कोई जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर इस बॉक्स वाली जीरो के अलावा और भी जीरो है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि यहाँ पर जीरो है, तो हमें क्या करना होगा, इस जीरो को क्रॉस कर देना है। इसका मीन्स क्या है, क्रॉस क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ पर बॉक्स की जीरो आ गई, इसका मीन्स क्या होगा कि फर्स्ट सब ऑर्डिनेट को ए टास्क मिल चुका है, और अगर किसी सब ऑर्डिनेट को एक टास्क मिल गया तो उसे कोई दूसरा टास्क नहीं मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर अगर जीरो है, इसका मीन्स क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डिनेट को, फर्स्ट सब ऑर्डिनेट को फोर्थ टास्क भी मिल सकता है, लेकिन ये सिलेक्ट हो चुका है कि उसे फर्स्ट टास्क मिला है तो फोर्थ नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है, डी टास्क नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने डी टास्क के लिए जीरो को क्रॉस कर दिया। अब फर्स्ट रो में सिंगल जीरो थी जिसमें हमने बॉक्स लगा लिया, यहां पर बॉक्स लगाया, उस कॉलम को चेक किया, अगर कोई जीरो हो तभी मैंने आपको बताया क्रॉस लगाना है, और अगर जीरो नहीं है तो नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट रो यानी सेकेंड रो, सेकेंड रो में सिमिलर मेथड, हमने चेक किया जीरो कितनी है, अगर एक सिंगल जीरो है तो बॉक्स लगा दिया, और अगर एक से ज़्यादा जीरो है तो उस रो को छोड़ देंगे, हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सिंगल जीरो थी, बॉक्स लगा दिया, फिर हमने क्या किया था, जहाँ पर बॉक्स लगाया उस कॉलम को चेक करना है, यानी बॉक्स वाला कॉलम कौन सा होगा, थर्ड। अब थर्ड कॉलम में इस बॉक्स की जीरो के अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं है यहाँ पर, नेक्स्ट थर्ड रो पे चलते हैं। थर्ड रो में देखो यहाँ पर 23, 0, 3 एंड 0, एक से ज़्यादा जीरो है, जीरो असाइनमेंट करना है तो हमें जीरो को ही सेलेक्ट करना है। थर्ड रो में एक से ज़्यादा जीरो है, अगर सिंगल जीरो होती तो बॉक्स लगा देते हैं, लेकिन सिंगल जीरो नहीं है, एक से ज़्यादा जीरो है, या तो कोई भी नहीं होगी या एक से ज़्यादा होंगी, तो हम क्या जाएंगे, नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे, इस रो को छोड़ दो। नेक्स्ट फोर्थ रो, फोर्थ रो में सिंगल जीरो है, 9, 12, 14 एंड 0, सिंगल जीरो है तो बॉक्स लगा दो, अगर बॉक्स आ गया तो हमें क्या करना है, बॉक्स वाला कॉलम चेक करना है, बॉक्स वाला कॉलम कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ कॉलम में इस जीरो के अलावा और भी जीरो है ना यहाँ पर, ये रही, इसका मीन्स क्या हुआ कि फोर्थ सब ऑर्डिनेट को डी टास्क मिल चुका है, इट मीन्स
फोर्थ सबऑर्डिनेट को डी के अलावा और कोई टास्क नहीं मिलेगा, और अगर ये जीरो यहाँ पर असाइन हो रही है तो फोर्थ सबऑर्डिनेट को सी टास्क भी मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमने इस जीरो को क्रॉस लगा दिया। मैं सिंपल वे में बताऊँ, जिस कॉलम में बॉक्स आ गया, उस जिस रो में हमने बॉक्स ली, उस बॉक्स वाले जीरो के कॉलम को लिया, और उस कॉलम में इस बॉक्स की जीरो के अलावा अगर कोई और जीरो है तो उस जीरो को क्रॉस कर देना है। ओके क्लियर। देखो रो कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी एक जीरो ऐसी है, या ये कह लो एक पर्सन ऐसा है जिसे अभी तक कोई टास्क नहीं मिला, सेकंड पर्सन ऐसा है जिसे अभी तक कोई टास्क नहीं मिला। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जब रो कंप्लीट हो जाए, फोर्थ रो तक हमने कर लिया, तो इसी स्टेप को हम कॉलम में रिपीट करेंगे, यानी फर्स्ट कॉलम को चेक करेंगे, सेकेंड कॉलम को चेक करेंगे, थर्ड और फोर्थ को। अगर फर्स्ट कॉलम में बॉक्स की जीरो आ रही है, जैसे हमने फर्स्ट रो ली थी तो बॉक्स की जीरो आई, इस कॉलम को चेक किया, सिमिलर अगर फर्स्ट रो में कोई बॉक्स की जीरो आ रही है, सिमिलर अगर फर्स्ट कॉलम में कोई बॉक्स की जीरो आ रही है, तो हम उस रो में चेक करेंगे, उसके अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट कॉलम ये कंप्लीट है, बॉक्स की जीरो आ चुकी है, कहीं पर भी जीरो नहीं है। सेकेंड कॉलम में देखो, सेकेंड कॉलम सिंगल जीरो है, अगर सिंगल जीरो है तो बॉक्स लगाइए, अगर एक भी जीरो नहीं या एक से ज़्यादा जीरो है तो हम इस कॉलम को छोड़ के नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। अब हमने सेकेंड कॉलम लिया तो यहाँ पर बॉक्स आ गया, हमने कॉलम सेलेक्ट किया तो बॉक्स वाली रो को चेक करेंगे, बॉक्स वाली रो कौन सी, हमारी थर्ड, थर्ड रो में इसके अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और जीरो है लेकिन उस पर पहले से ही क्रॉस लगा हुआ है। इसी तरह से थर्ड कॉलम चेक किया, थर्ड कॉलम में बॉक्स की जीरो कंप्लीट है, इसके अलावा कोई जीरो नहीं है। फोर्थ कॉलम लिया, फोर्थ कॉलम भी कंप्लीट है। अगर ऐसा है कि सारी की सारी जीरो कवर हो गई, अब चेक करो पहली रो में भी बॉक्स की जीरो आ रही है, सेकेंड रो फर्स्ट रो में भी बॉक्स की जीरो आ रही है, सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, इसी तरह कॉलम में भी हर रो प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में एक बॉक्स की जीरो आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन में सबऑर्डिनेट थे टास्क से, सबऑर्डिनेट थे वन टू या फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, टास्क था ए बी सी डी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि किस सबऑर्डिनेट को कौन सा टास्क मिले। तो यहाँ देखो हमारे पास जो लास्ट टेबल आई है, जो लास्ट मैट्रिक्स है, इसमें देखो फर्स्ट सबऑर्डिनेट, इसका मीन्स यहाँ पर था सबऑर्डिनेट, इसे मैंने आपको बताया कि हर टेबल में आप लिखोगे, और यहाँ पर था टास्क। अब किस सबऑर्डिनेट को कौन सा टास्क मिला, ये आपको यहाँ पर पता चल रहा, फर्स्ट सबऑर्डिनेट को ए टास्क मिला हुआ है, सेकेंड सबऑर्डिनेट को बी सी टास्क मिला है, थर्ड सबऑर्डिनेट को बी टास्क मिला है, इस तरह से लिख रहे हैं, फोर्थ सबऑर्डिनेट को डी टास्क मिला है, यानी यहाँ पर बॉक्स की जीरो है वो उसका टास्क है, फर्स्ट सबऑर्डिनेट और ए, फर्स्ट सबऑर्डिनेट को ए टास्क मिला है यहाँ से हमने लिखा, सेकेंड सबऑर्डिनेट को यहाँ देखो सी टास्क मिला, थर्ड को बी एंड फोर्थ को डी। क्वेश्चन क्या है, मिनिमम टाइम होना चाहिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनिमम टाइम। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फर्स्ट सबऑर्डिनेट को ए टास्क मिला, मैट्रिक्स में टाइम गिवन था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि मैट्रिक्स बिलो इस मैट्रिक्स में हमें टाइम गिवन है, तो यहाँ पर फर्स्ट सबऑर्डिनेट को ए टास्क मिला तो उसे कितने घंटे लगते हैं उस टास्क को पूरा करने में, आवर घंटों में है तो 8 आवर। सेकेंड सबऑर्डिनेट को सी टास्क मिला तो उसका मिनिमम टाइम क्या होगा, 19 आवर। इसी तरह थर्ड को बी था तो 4 आवर, एंड फोर्थ के लिए डी था तो 10 आवर, तो 8, 19, 4 एंड 10 और मिनिमम टाइम जो था वो सिलेक्ट हमने किया, तो 8, 19, 4 एंड 10। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8, 19, 4 एंड 10, ये हमने क्वेश्चन से लिखा। तो मिनिमम टाइम क्या हुआ, इन सब का हमें सम कर लेना है, तो यहाँ पर मिनिमम टाइम क्या आ जाएगा, इन सब का सम करेंगे तो 8 और 19 27, 27 और 4 31, 31 एंड 10 41, तो मिनिमम टाइम क्या हुआ, 41 आवर। ओके आगे समझ में। इस तरह से किसी भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जीरो असाइनमेंट की, जीरो असाइनमेंट पे
हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, यानी प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम में एक बॉक्स की जीरो आ गई, या ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सबऑर्डिनेट को एक एक टास्क मिल गया है बड़ी इजीली। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, जीरो असाइनमेंट को करते हैं, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी होंगी कि जीरो बॉक्स में आएगी ही नहीं, या ये कह लो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में बॉक्स की जीरो नहीं होगी। तो उसे किस तरह से करेंगे, उसके लिए फोर्थ स्टेप होगा। अब फोर्थ स्टेप को समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 जॉब्स टू बी असाइन। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स में 5 जॉब है, 1 each to 5 मशीन, प्रत्येक जॉब एक मशीन द्वारा की जाएगी। एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट मैट्रिक्स इज एज फॉलो, और मैट्रिक्स गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप रो रिडक्शन, सेकंड कॉलम रिडक्शन, थर्ड जीरो असाइनमेंट, जो कि हम अभी कर चुके हैं, सेम मेथड यहां पर करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप रो रिडक्शन, फर्स्ट स्टेप है रो रिडक्शन। रो रिडक्शन फर्स्ट रो में हम मिनिमम सेलेक्ट करेंगे और जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उसे उसी रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह सेकंड रो में, थर्ड में, यानी प्रत्येक रो में मिनिमम को सेलेक्ट करेंगे और उस एलिमेंट को, मिनिमम एलिमेंट को उसी रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 8। 8 को इस पूरी रो में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 - 8 - 3। इसी तरह 17 - 8 - 9, 8 - 8 - 0, 16 - 8 - 8, एंड 20 - 8 - 12। इसी तरह सेकेंड रो, सेकेंड रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 6। 6 को सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 - 6 - 3, 7 - 6 - 1, 12 - 6 - 6, 6 - 6 - 0, एंड 15 - 6 - 9। थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट 12 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, तो 13 - 12 - 1, 16 - 12 - 4, 15 - 12 - 3, एंड 0, 16 - 12 - 4। नेक्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट 17, 17 को कट किया, तो 4, 7, 0, 11 एंड 9। नेक्स्ट 10, 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4, 0, 2, 1 एंड 5। ये तो था रो रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, कॉलम रिडक्शन, जिसे मैं यही लिख रही हूँ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन आपको पता ना क्या करना है, जो टेबल हम बना चुके हैं रो रिडक्शन की, उसी टेबल में से हमें कॉलम को सिलेक्ट करना है। प्रत्येक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उस कॉलम के मिनिमम एलिमेंट को, प्रत्येक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उस मिनिमम एलिमेंट को उस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या था, मशीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास था जॉब ए बी सी डी एंड। फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 3, 3, 1, 4, 4, 1 है, इस 1 को प्रत्येक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 - 1, 2, 2, 0, 3 एंड 3। सेकेंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0, अगर 0 मिनिमम एलिमेंट है और उसे सब्ट्रैक्ट करें प्रत्येक एलिमेंट में से, तो कोई चेंज नहीं होगा, 9, 1, 4, 7, 0। थर्ड में भी मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो नो चेंज, 0, 6, 3, 0 एंड 2। नेक्स्ट फोर्थ में मिनिमम एलिमेंट अगेन 0, 8, 0, 0, 11 एंड 1। इसी तरह से नेक्स्ट में मिनिमम एलिमेंट 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 5, 0, 9 - 4 एंड 5 - 4। फर्स्ट और सेकंड स्टेप सिमिलर था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट के लिए हमें क्या करना है,
जो कॉलम रिडक्शन की टेबल है उस टेबल को एज इट इज बना लेंगे, जीरो असाइनमेंट। कॉलम रिडक्शन की टेबल को एज इट इज लिखेंगे, नेक्स्ट जीरो असाइनमेंट करने के लिए जो कॉलम रिडक्शन की टेबल थी उसे एज इट इज बना लें। अब जीरो असाइनमेंट में हमने क्या किया था कि हमें फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो हमने ली 29088, अगर फर्स्ट रो ली और उसमें सिंगल जीरो है तो उसे हम बॉक्स में कवर कर लेंगे, और अगर एक से ज़्यादा जीरो है या एक भी जीरो नहीं है तो उसे हम छोड़ देंगे। अब फर्स्ट रो में हमारे पास सिंगल जीरो थी ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, बॉक्स लगा दिया। अब फर्स्ट रो ली उसमें सिंगल जीरो थी, बॉक्स लगाया, तो बॉक्स कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में हमें चेक करना है कि इस जीरो के अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए, और अगर है, जैसे इस जीरो के अलावा कोई और जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। इट मीन्स थर्ड मशीन ए जॉब करेगी, या ये कह लो कि ए जॉब थर्ड मशीन के लिए है। अब फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो में हमने चेक किया कि सिंगल जीरो है या नहीं, तो सेकंड रो में भी हमारे पास एक सिंगल जीरो है, तो इस पर हम क्या करेंगे, बॉक्स लगा देंगे। अब सेकंड रो में हमने बॉक्स लगाया, बॉक्स कौन से कॉलम की जीरो पे आ रहा है, फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम में हम चेक करेंगे इस जीरो के अलावा, यानी इस बॉक्स की जीरो के अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो एक जीरो है ना, तो हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो में हमने चेक किया, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, इट मीन्स एक से ज़्यादा जीरो है, तो इस थर्ड रो को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ रो पे चलते हैं। फोर्थ रो में हाँ देखो, फोर्थ रो में एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि जो जीरो थी उस पर हम क्रॉस कर चुके हैं, तो फोर्थ रो में कोई भी जीरो नहीं है। तो नेक्स्ट फिफ्थ रो पे चलते हैं। फिफ्थ रो में चेक किया तो हमारे पास एक सिंगल जीरो है, और अगर सिंगल जीरो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स लगा देंगे। हमने बॉक्स किस पर लगाया, सेकेंड कॉलम की जीरो पर। तो सेकेंड कॉलम में हमें चेक करना है इस जीरो के अलावा, यानी इस बॉक्स की जीरो के अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए, सेकेंड कॉलम नहीं है ना, तो इट मीन्स रो कंप्लीट हो गई। जब रो कंप्लीट हो जाए और जीरो कंप्लीट ना हो, यहाँ पर देखो ये जीरो बची हुई है ना बिना बॉक्स के, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को कॉलम से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट कॉलम में हमने चेक किया कि एक सिंगल जीरो है या एक से ज़्यादा जीरो है, यहाँ पर सिंगल जीरो है, तो इस पर हमने बॉक्स लगा दिया। अब कॉलम ले रहे हैं हम, फर्स्ट कॉलम में हमने बॉक्स की जीरो सेलेक्ट की जो कि आ रही है थर्ड रो में, तो इस थर्ड रो में इस बॉक्स की जीरो के अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर है, यहाँ पर जीरो थी उस पर क्रॉस आ चुका है, एक और जीरो है, तो इस जीरो पर भी हम क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में देखो कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि या तो बॉक्स में है या क्रॉस में है, इट मीन्स कंप्लीट है। थर्ड कॉलम में भी कोई जीरो नहीं है, फोर्थ में, फिफ्थ में, इट मीन्स कोई भी जीरो ऐसी नहीं बची जिस पर बॉक्स या क्रॉस ना हो। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, इसका मीन्स क्या था कि क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट होने के लिए हर मशीन को, यानी जितनी मशीन है, फाइव मशीन है, फाइव जॉब है, तो प्रत्येक मशीन को प्रत्येक जॉब मिलनी चाहिए। यहाँ देखो फर्स्ट मशीन को सी जॉब मिल रही है, सेकंड मशीन के लिए ई जॉब है, थर्ड मशीन के लिए ए, फोर्थ के लिए बी, लेकिन फिफ्थ मशीन खाली है, फिफ्थ मशीन के लिए कोई जॉब नहीं है। इट मीन्स अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो जीरो असाइनमेंट तो कंप्लीट है बट क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप होगा ड्रा द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रा करनी है। इसके लिए जीरो असाइनमेंट की टेबल को एज इट इज उतार लेंगे। जीरो असाइनमेंट की टेबल यानी जो हमारे पास बॉक्स में जीरो आई है या क्रॉस में जीरो आई है उसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके लिए हमने क्या किया, जीरो असाइनमेंट की टेबल को एज इट इज उतार दिया। इट मीन्स जहाँ पर क्रॉस है वहाँ क्रॉस, जहाँ बॉक्स था वहाँ बॉक्स, सेम जीरो असाइनमेंट की टेबल को उतार दिया। अब ड्रा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, इसके लिए मैं आपको एक आसान सा प्रोसेस बता दूँ, इसको आपको याद रखना है।
देखो इसमें करना क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन किस तरह से हमें ड्रा करनी है। हम यहाँ पर चेक करेंगे किस रो में कोई भी बॉक्स की जीरो नहीं है। रिपीट, ऐसी कौन सी रो है जिसमें कोई भी बॉक्स की जीरो नहीं है। जैसे फर्स्ट रो में देखो बॉक्स है ना, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फोर्थ रो ऐसी है जिसमें कोई भी बॉक्स की जीरो नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से टिक कर लेंगे। ओके, ऐसी कौन सी रो है जिसमें बॉक्स की जीरो नहीं है। तो फोर्थ रो में बॉक्स की जीरो नहीं है ना, तो फोर्थ रो पे हमने टिक कर लिया। अब ये तो कन्फर्म है कि फोर्थ रो में बॉक्स की जीरो नहीं है, तभी हमने टिक किया। इसमें हम चेक करेंगे क्रॉस की जीरो कहाँ पर है। क्रॉस की जीरो कहाँ है, यहाँ पर। तो हम इस कॉलम को, यानी क्रॉस की जीरो वाला कॉलम कौन सा हुआ, ये वाला कॉलम, इस कॉलम को इस तरह से टिक कर लेंगे। ठीक, समझ में आया ना। ऐसी कौन सी रो है जिसमें कोई बॉक्स की जीरो नहीं है, उस रो पे टिक कर लिया। अब उस रो में बॉक्स की जीरो तो है नहीं, ये कन्फर्म हो गया, तो उस रो में क्रॉस की जीरो चेक करेंगे। हमने रो में चेक किया तो जहाँ पर क्रॉस की जीरो आ रही है उस कॉलम पे हम टिक कर लेंगे। ठीक, क्लियर। अब देखो रो में, हमने रो में क्या लेना है, बॉक्स की जीरो नहीं, क्रॉस की जीरो लेनी है। अब क्रॉस की जीरो कहाँ पर आ रही है, उस कॉलम पे टिक करना है। कॉलम में हम उल्टा करेंगे, कॉलम में हम क्या चेक करेंगे, बॉक्स की जीरो को चेक करेंगे, और जहाँ पर बॉक्स की जीरो आ रही है उस रो को टिक कर लेंगे। ओके, देखो कॉलम में बॉक्स की जीरो चेक की, यहाँ पर आ रही है, कॉलम ने में हमने बॉक्स की जीरो चेक की, तो इस रो पर टिक कर लिया। अब जब रो आ जाएगी तो रो में हमें ये स्टेप करना है, रो में हमें क्या चेक करना है, क्रॉस की जीरो, रो में क्रॉस की जीरो नहीं है ना, इट मीन्स ये टिक मार्क खत्म। हमारा प्रोसेस टिक करने का नहीं है, हमारा प्रोसेस क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। तो जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक हम टिक करते रहेंगे। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यानी रो में हमें क्रॉस की जीरो चेक करनी है, अब रो में जब क्रॉस की जीरो ही नहीं है तो टिक खत्म, अब हम लाइन ड्रा करेंगे। अब रो में तो वहाँ पर लाइन लगानी है जहाँ पर टिक नहीं हुआ। अब रो में कहाँ पर टिक नहीं हुआ, सेकेंड रो में टिक नहीं हुआ, थर्ड रो पर टिक नहीं हुआ, और फिफ्थ रो में टिक नहीं हुआ। तो रो में तो हमने वहाँ पर लाइन ड्रा की जहाँ पर टिक नहीं किया। कॉलम में हमें वहाँ पर लाइन ड्रा करनी है जहाँ पर हमने टिक किया था। ओके, समझ आया ना। रो में जहाँ पर टिक नहीं किया वहाँ पर लाइन ड्रा किया, और कॉलम में जहाँ पर टिक किया वहाँ पर लाइन ड्रा करनी है। जब हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो लाइन के बाहर जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उस वैल्यू में कोई भी जीरो नहीं होगी। चेक करो 2988 लाइन के बाहर, इस पूरी रो में लाइन है, थर्ड रो में भी लाइन है, फोर्थ में देखो यहाँ पर 3715, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है, वहाँ पर जीरो भी नहीं होगी। और अगर जीरो है तो आपने ये प्रोसेस गलत किया, ये स्टेप आपने गलत किया। ठीक, इसका मीन्स क्या है कि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को इस तरह से ड्रा करना है कि उस लाइन के अंदर ही सारी जीरो कवर हो जाए, लाइन के से बाहर कोई भी जीरो ना हो। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप, अब हमें क्या करना है, जब हमने लाइन ड्रा की तो लाइन के बाहर जीरो नहीं है, ये तो कन्फर्म हुआ, लेकिन जीरो नहीं है, कुछ एलिमेंट तो होंगे, उनमें से हमें मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिनमें लाइन नहीं है। अब लाइन के बाहर यानी 2988 और 3715, ये लाइन के बाहर के एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट में से हमें मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। अब इन एलिमेंट में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमम एलिमेंट इज इक्वल टू 2। ओके, अगर समझे, ये स्टेप आपको टिक मार्क के तरीके से याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन इसी प्रोसेस को आप बिना टिक मार्क के जीरो को लाइन के अंदर कवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये टेबल थी 29088, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ ताकि एग्जाम में आपको मुश्किल ना हो, लेकिन अगर आप बिना टिक मार्क के डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे तो क्वेश्चन लेंथ ही हो सकता है, यानी टेबल हो सकता है कि हमारा मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया, फिर से हमारे पास जो जीरो असाइनमेंट करेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट ना हो, हमें अगेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप टिक मार्क का प्रोसेस करोगे तो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन था, अब मैं बिना टिक मार्क के आपको बता रही हूँ कि लाइन ड्रा आपको किस तरह से करनी है, दोनों में से किसी भी मेथड को कर सकते हो। तो देखो हमें करना क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा लगानी है, इस तरह से लगानी है कि सारी की सारी जीरो लाइन के अंदर आ जाए। तो सबसे ज़्यादा जीरो देखो हमारे पास थर्ड लाइन में है, हमने थर्ड लाइन पे इस तरह से कर दिया। इसके अलावा हमारे पास थर्ड कॉलम में जीरो आ रही है, थर्ड कॉलम पे टिक कर दिया।
इस कॉलम में भी जीरो आ रही है, इस कॉलम में भी ये जीरो रहेगी। अब देखो जितनी भी लाइन लगाई तो भी हमारे पास लाइन के अंदर ही सारी जीरो कवर हो रही है, लाइन से बाहर कोई जीरो नहीं है। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन दोनों से आएगा और सेम सॉल्यूशन होगा। अब हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रा की, उसके बाद मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट किया। अब आपको एक और स्टेप याद रखना है, जो भी मिनिमम एलिमेंट है, अब हमारे पास तीन टाइप की यहाँ पर लाइन है। एक तो सिंगल लाइन आ रही है, जैसे यहाँ देखो यहाँ जीरो पे सिंगल लाइन है, टू और वन पे सिंगल लाइन है, लेकिन इस सिक्स पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, या ये कह लो यहाँ पर इस सिक्स पर, थ्री पर और इस टू पर डबल लाइन आ रही है, या कुछ एलिमेंट ऐसे है जिस पर कोई लाइन नहीं है। इट मीन्स हमारे पास तीन टाइप की वैल्यू आ रही है। एक तो नो लाइन यानी जहाँ पर कोई लाइन नहीं है, एक सिंगल लाइन या वन लाइन यहाँ पर हमारे पास एक लाइन आ रही है, और एक है हमारे पास डबल लाइन। ये तीन टाइप के मैट्रिक्स में वैल्यू आ रही है ना। देखो यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, वहाँ पर हमें इस मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस टू, या ये लिख सकते हैं हमें मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर सिंगल लाइन आ रही है, वहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना, नो चेंज। यहाँ पर डबल लाइन आ रही है, वहाँ पर हमें इस मिनिमम एलिमेंट को ऐड करना है। मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट किया, जो हमारी मैट्रिक्स थी उस मैट्रिक्स में या तो कोई लाइन नहीं है एलिमेंट्स के ऊपर, या सिंगल लाइन आ रही है या डबल लाइन आ रही है। अगर कोई लाइन नहीं है तो उस मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डबल लाइन आ रही है तो ऐड करेंगे, और अगर सिंगल लाइन आ रही है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके अब देखो हम रिपीट करें मैट्रिक्स। फर्स्ट यहाँ पर टू का मीन्स इस एलिमेंट के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है। अगर कोई भी लाइन नहीं है तो हमें टू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो टू माइनस टू यहाँ पर जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट नाइन, कोई भी लाइन नहीं है तो नाइन माइनस टू सेवन। नेक्स्ट यहाँ पर जीरो, इस जीरो के ऊपर सिंगल लाइन आ रही है। अब सिंगल लाइन आ जाए तो कोई चेंज नहीं, यानी जो है एज इट इज वही एलिमेंट लिख देंगे। नेक्स्ट एट, कोई लाइन नहीं है तो हम यहाँ पर टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन कोई लाइन नहीं है तो एट में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट सेकेंड रो में देखो यहाँ पर टू और वन पर सिंगल लाइन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इस सिक्स के ऊपर डबल लाइन आ रही है, अगर डबल लाइन आ जाए तो मिनिमम एलिमेंट को ऐड करना है। सिक्स में टू को ऐड किया, एट। जीरो और फाइव पर सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन में कोई चेंज नहीं करेंगे, जीरो एंड फाइव। थर्ड रो में देखो जीरो और फोर पर सिंगल लाइन तो कोई चेंज नहीं करेंगे, जीरो और फोर में कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट थ्री पर डबल लाइन आ रही है तो थ्री में टू को ऐड कर दिया, फाइव। जीरो और जीरो पर सिंगल लाइन आ रही है तो हमने कोई चेंज नहीं किया। ओके नेक्स्ट फोर्थ रो, थ्री और सेवन कोई भी लाइन नहीं है तो टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थ्री माइनस टू सेवन माइनस टू। जीरो पर सिंगल लाइन आ रही है तो हमने कोई चेंज नहीं किया, इलेवन में से टू कट कर दिया, फाइव में से टू कट कर दिया। नेक्स्ट थ्री सिंगल लाइन, जीरो सिंगल लाइन, टू पर डबल लाइन है तो टू प्लस टू फोर, वन और वन पर सिंगल लाइन। ओके क्लियर, अगर समझे। मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट किया और जिस एलिमेंट पर कोई लाइन नहीं है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया उस मिनिमम एलिमेंट को, जहाँ पर डबल लाइन आ रही है तो वहाँ पर ऐड कर दिया, और जहाँ पर सिंगल लाइन आ रही है वहाँ कोई चेंज नहीं किया। अब जो मैट्रिक्स बने उस मैट्रिक्स में हम फिर से जीरो असाइनमेंट करेंगे, यानी यहाँ पर हम फिर से जीरो असाइनमेंट करेंगे, और ऐसा ये प्रोसेस कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारे पास जीरो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी प्रत्येक रो और कॉलम में एक बॉक्स की जीरो नहीं आ जाती। अब देखो जीरो असाइनमेंट इसी मैट्रिक्स में करेंगे। जीरो असाइनमेंट के लिए फर्स्ट रो ली, फर्स्ट रो में एक से ज़्यादा जीरो है, सिंगल एक ही जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस रो को छोड़ देंगे, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड रो में एक सिंगल जीरो है, अगर सिंगल जीरो है तो उस पर हम बॉक्स लगा देंगे। अब बॉक्स कहाँ पर लगाया हमने, सेकेंड कॉलम में चेक किया कि इस जीरो के अलावा कोई और जीरो है या नहीं, अगर है तो हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट थर्ड रो में एक से ज़्यादा जीरो है, छोड़ दो इस रो को। नेक्स्ट फोर्थ रो में एक सिंगल जीरो है तो बॉक्स में कवर कर दिया। अब फोर्थ रो में हमने बॉक्स में कवर कैसे किया, थर्ड कॉलम की जीरो को, तो इस कॉलम में इस बॉक्स के अलावा कोई और जीरो है तो क्रॉस कर दो। नेक्स्ट फिफ्थ रो में सिंगल जीरो है, यानी एक ही जीरो है, बॉक्स लगा दिया।
कहाँ पर बॉक्स आया? सेकंड कॉलम पर। तो सेकंड कॉलम में कोई और जीरो है नहीं, है ना, कंप्लीट। लेकिन अभी भी जीरो है जिस पर न तो बॉक्स है न क्रॉस है, तो हम क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हमने चेक किया एक से ज़्यादा जीरो है, सेकंड कॉलम पर आ जाओ। सेकंड कॉलम कंप्लीट है पहले से, थर्ड कॉलम ये भी कंप्लीट है, फोर्थ भी कंप्लीट है, फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम में एक सिंगल जीरो है तो हमने बॉक्स लगा दिया। फिफ्थ कॉलम लिया, बॉक्स आया थर्ड रो पर, थर्ड रो में इसके अलावा कोई और जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो क्रॉस कर दिया। फिफ्थ कॉलम भी कंप्लीट, लेकिन अभी भी एक जीरो रहेगी ना, तो फिर से फर्स्ट रो पर आ जाते हैं। फर्स्ट रो में सिंगल जीरो, बॉक्स लगा दो, इसके अलावा कोई और जीरो तो नहीं है ना। अब देखो सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ और फिफ्थ सब कंप्लीट है। जितने भी रो या कॉलम है, हर रो और कॉलम में एक बॉक्स की जीरो आ रही है। इट मीन्स क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम कंप्लीट हो रही है। अब क्वेश्चन में था क्या, मशीन थी जॉब थी। इट मीन्स इस मशीन पर कौन सा काम किया जाएगा। मशीन थी हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट मशीन के लिए कौन सी जॉब होगी, ए, बॉक्स हमें चेक करना ना, ए फर्स्ट और ए बॉक्स आ रहा ना। सेकेंड मशीन के लिए कौन सी जॉब होगी, ई, सेकेंड के नीचे ई। थर्ड मशीन के लिए जॉब कौन सी होगी, डी। फोर्थ मशीन के लिए बी एंड फिफ्थ मशीन के लिए सी। अब मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर न तो टाइम के बारे में शो किया गया है और न ही प्रॉफिट लॉस है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिनिमम कॉस्ट। इसके लिए क्वेश्चन में चेक करते हैं, फर्स्ट मशीन के लिए ए जॉब थी, तो फर्स्ट मशीन क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, फर्स्ट मशीन के लिए ए जॉब और उसकी कॉस्ट कितनी है, 11। सेकंड मशीन के लिए ई जॉब है, तो सेकंड मशीन के लिए ई जॉब कॉस्ट कितनी है, सेकंड मशीन के लिए ई जॉब उसकी कॉस्ट है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। थर्ड मशीन के लिए डी, फोर्थ के लिए बी एंड सी, तो इसी तरह सॉल्यूशन क्या देगा, डी बी एंड सी, यानी 17, 6 एंड 16, 17, 6 एंड 16, ओके। मिनिमम कॉस्ट कितनी हुई, इन सबको सम कर लो तो मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी 11 और 10, 21, 21 और 17, 38, 38 और 6, 44, 44 और 16, 60। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी हुई, 60। अब यहाँ पर ये टाइम है, डिस्टेंस है या उसके बारे में हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिट, ओके। अगर समझ, असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी किस पर्सन को कौन सा टास्क असाइन किया जाए, किस मशीन पर कौन सा काम किया जाए, ये सब असाइन करना, इसे हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ये सब सिलेक्शन ही असाइनमेंट प्रॉब्लम करें। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसे आप खुद ट्राई करोगे, क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर किसी भी एक स्टेप को आपने स्किप कर दिया तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं आपके लिए आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसे आप खुद ट्राई करोगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए या क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, तो आपके लिए क्वेश्चन है असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ, यानी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम के साथ।